नमस्कार दोस्तों, SSGD कांस्टेबल भर्ती 2021 को लेकर एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज है क्या वो इंक्रीज होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेटों को रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया जाएगा, तो ऐसे में वैकेंसी क्या SSC की तरफ से इंक्रीज होगी, क्योंकि कुछ वैकेंसीज अभी भी दोस्तों खाली पड़ी है। अगर बात करें तो CRPF के साथ में ITBP और SSB में भी इस बार काफ़ी कम वैकेंसी आई है, जबकि भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज CRPF में एक भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में दोस्तों 25,000 आपकी जो वैकेंसीज है, तो कितने कैंडिडेटों को यहां पर रिटर्न में क्वालिफाई किया जाएगा, आपके स्टेट में कितने कैंडिडेटों को यहां पर क्वालिफाई किया जाएगा, कितने टोटल ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेटों के फॉर्म इस बार आए हैं 2018 की भर्ती की तुलना में, अगर इस बार के रिक्रूटमेंट की बात करें तो काफी ज्यादा फॉर्म इस बार अप्लाई हुए। तो दोस्तों इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आप भी SSGD कांस्टेबल भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। अगर आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको यह सारी इंफॉर्मेशन है वो डिटेल से समझ में आने वाली है। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, SSCGD का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि SSC की तरफ से जारी किया गया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस बार की जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 25,271 पद है, लेकिन बात आती है कि 3 लाख अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, तो वो किस बेसिस के आधार पर किया जाने वाला है, आपके राज्य में कितने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा, ये भी दोस्तों आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इससे आपको आपके राज्य में कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं, इस बार फॉर्म है वो काफी ज्यादा अप्लाई हुए। अगर 2018 की बात करें तो 48x50 लाख के लगभग फॉर्म अप्लाई हुए थे, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ अगर बात करें तो लगभग दोस्तों 60 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं SSCGD कांस्टेबल के, तो काफी ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे में इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग भी शामिल कर ली गई है, जिससे आपके कट ऑफ पर भी काफी ज्यादा असर आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपकी वैकेंसी 25,271 पद है, लेकिन दोस्तों आपका सबसे पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें लगभग आपकी वैकेंसी है उसके 12 गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। अगर बात करें तो 12 टाइम्स 12 गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, और लगभग 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको इस बार SSCGD कांस्टेबल के थ्रू फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मतलब रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके राज्य में किस प्रकार कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, ये आप कैसे चेक कर पाएंगे, साथ ही मेडिकल में कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपकी कट ऑफ है वो, आपके राज्य की कट ऑफ है वो रहने वाली है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, आपकी जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज, यूटी वाइज और आपके एरिया वाइज आई है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि PET और PST में 12 गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। सपोजली दोस्तों आपके राज्य में अगर 1000 वैकेंसीज है, तो आपके राज्य में दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन में x12 मतलब 12 गुना कैंडिडेटों को, लगभग 12,000 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अगर आपके राज्य में 1000 या 1200 वैकेंसी है, तो भी 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको आपको फिजिकल के लिए यहां पर बुलाया जाएगा, और उसके बाद में मेडिकल में आपकी जितनी भी वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेटों को मेडिकल के लिए भी बुलाया जाएगा। यह भी साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, DME डॉक्यूमेंट और मेडिकल में 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों आपके स्टेटस का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जब आपका स्टेटस का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और अब 1 से 2 दिन में कभी भी स्टेटस का लिंक एक्टिवेट हो सकता है SSC का, जिससे कि आप चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। लाखों ऐसे होंगे जिनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, जिन्होंने फोटो सिग्नेचर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, उन अभ्यर्थियों के सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा अभी हाल ही में SSG जो MTS में भी देखा गया। साथ ही दोस्तों जिन कैंडिडेटों ने डबल फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि डबल डेटा अगर एक साथ SSC के पास में जाता है तो दोस्तों उनको डुप्लीकेट मान के फॉर्म को
रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे में लाखों फॉर्म होंगे जो दोस्तों जब आपका स्टेटस आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे और वो भर्ती प्रक्रिया से भी बाहर हो जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों अब आपके पास में मात्र ही दोस्तों अगर बात करें तो एक महीने से भी कम दिन आपके पास में बचे, और इन कम दिनों में आपको बहुत ही अच्छी मेहनत करनी होगी अगर फाइनली तौर पर आपको एसएसजीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है। दोस्तों आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों आपके राज्य से रिलेटेड कोई भी हमारे पास में अपडेट हो तो उसकी जानकारी भी आप सभी तक सबसे पहले पहुंच रहे। पूरी जानकारी आप डिटेल से देखना चाहते हैं एडमिट कार्ड और स्टेटस का लिंक जैसे एक्टिवेट होगा तो आप डायरेक्टली अपना एडमिट कार्ड चेक कर पाएंगे, साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।